दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम जो बिजनेस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो देखिए काफ़ी आपके फैमिली में या डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको दिख जाएगा, और ख़ासकर आपके किचन में ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट हो गई हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में, और ये हमेशा आपको मिल जाएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो अदरक और लहसुन के पेस्ट के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफ़ी अभी ग्रोइंग और डिमांडेबल बिजनेस है। इसमें कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है आप देखिएगा हर एक घर में ही लगभग आजकल यूज़ होने लगा है, क्योंकि लोगों के पास समय की बहुत कमी आ चुकी है। लोग खाना बनाना तो बना ही रहे हैं, मगर अब पुराने ज़माने की तरह आप देखिएगा अदरक या लहसुन है उसको पुराने ट्रेडिशनल तरीके से पीस के या मिक्स करके या पेस्ट बना के सब्जी में नहीं डाला जाता है। अभी क्या हो गया है, अभी इसका रेडीमेड देखिएगा पैक आने लगा है मार्केट में, जिसको लोग 25 ग्राम का पैक जो होता है वो शायद 5 रुपये का बिकता है, उसको ख़रीद के ला के पब्लिक उसको उसी में डाल दे रही है और सब्ज़ी में और बना रही है। तो इसका बहुत सारा रूप है। अदरक और लहसुन को हमारे इंडिया में पहले से ही एक ऐसे मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जिससे बहुत सारे रोग या समय में होता है, जहाँ सर्दी है वहाँ पर गर्मी के लिए इसको यूज़ करते हैं अदरक को, जहाँ पे लहसुन है लहसुन को राजस्थान में देखिएगा तो और भी दूसरे तरीके के लिए यूज़ करते हैं। तो मसाला जो है हमारे इंडिया का बहुत ही पुराना पार्ट है, और इसमें ये लहसुन और अदरक जो है बहुत ही पुराना है, मगर अब इसको एक नए तरीके से मार्केट में लाया जा रहा है। हमारे देश में लगभग 60% ऐसे किसान हैं जो अलग अलग चीज़ों की खेती करते हैं, तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी मिलना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप देखिएगा हमेशा ही आपके लोकल मार्केट में या होलसेल में ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज इसी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये 5 रुपये का ये जो पैकेट होता है, ये पैकेट है, इसका 25 ग्राम का ये पैकेट है और इसकी जो कीमत है 5 रुपये है। तो अगर आप इसका व्यापार करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या कैसे आप कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए लाइसेंसेस का बात आता है कि अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स का ही रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद मशीनरीज का रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, फिर मार्केटिंग और पैकेजिंग की बात आती है। तो अगर इसका आप लाइसेंस चाहें तो आप इसको प्राइवेट लिमिटेड बना के भी कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोल के भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप कंपनी भी खोल के कर सकते हैं। इसका पैन कार्ड, करंट अकाउंट, ट्रेडमार्क, क्योंकि कोई भी जब ब्रांड बनाइएगा तो उसका ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो नाम कोई और ना चुरा ले। उसके बाद फूड लाइसेंस, FSSI की खाने पीने की चीज़ें हैं तो इसमें गवर्नमेंट का नॉर्म्स आपको मानना ही पड़ेगा, FSSAI का लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां जो हैं आजकल ISO 9001:2015 और ISO 22000 लेती हैं, और बहुत सारे जो एक्सपोर्ट में काम करते हैं वो उस कंट्री के अनुसार सर्टिफिकेशन लेते हैं, जैसे हलाला हो गया या GMP हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप इसको अपने लोकल एरिया से भी इसका रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं, और रॉ मटेरियल ख़रीद के आप अपने यहाँ पे जो मशीनरी जिसमें रिक्वायरमेंट होता है वो आपको देखिएगा, जैसे कि आपका अदरक है तो उसको छीलने के लिए जो एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद इसको धोने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और फिर इसमें आपको पेस्टिंग मशीन का ज़रूरत पड़ता है। एक बार आप उसको क्लियर करके ड्राई करके और फिर पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद आप इसको जो एक स्टेशन मशीन में, बहुत स्टेशन स्टील बोलते हैं उसको, उस मशीन में रखते हैं, और रखने के बाद फिर इसका जो पैकेजिंग मशीन आता है, पैकिंग मशीन से आप इसको चाहे तो 100 ग्राम 200 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम 200 ग्राम ही चलता है, इस तरीके पैकेजिंग करके आप इसको मार्केट में छोड़ सकते हैं। रहा पैकेज के बाद कि ऐसा पैकेज आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जो भी आपने कंपनी बनाया, आपने जो ट्रेडमार्क बनाया वो बना के आप इसको एक सिलेंडर छपवा सकते हैं, और सिलेंडर छपवाने में कम से कम आपको 35,000 से 40,000 रुपये का खर्चा आता है। ये करके आप उसमें बहुत सारा ऐसा पैकेट, तो समझिए 5 लाख 10 लाख उसमें ज़्यादा पैकेट बनेगा, और पैकेजिंग मशीन इसमें आप खरीद सकते हैं। तो मशीनरीज का जो कॉस्ट आता है वो जितना भी मिला लीजिए, कुल मिला के कम से कम आपको 1-2 लाख रुपए में इसका सारा मशीन आ जाता है, अगर आप इसका काम करते हैं, चाहे वो ड्रायर मशीन हो या पैकेजिंग हो या सारा चीज़ मिला के हो। तो इसका ये बजट का बात है। इसके बाद रॉ मटेरियल है कि आप कितना सामान खरीदना चाहते हैं या कितना का मार्केट का काम करना चाहते हैं, इसके अनुसार आप इसका रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। जहाँ तक इसका प्राइस का बात है तो 25 ग्राम का लगभग मार्केट एवरेज प्राइस जो है
5 रुपये है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 1 किलो खरीदने में कितना आएगा और पेस्ट करने के बाद उसका कितना आएगा। डबल से भी ज़्यादा का मार्जिन होता है, मगर आप उसमें कटिंग, लेबर कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिक, मशीन, ये सारा कुछ माइनस करके फिर भी आपको 32-35% का बेनिफिट ये आपको दे जाता है। इसके अलावा देखिए ये बारकोड दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आप बारकोड भी बनवा सकते हैं, QR कोड भी बनवा सकते हैं, और ये वेजिटेबल का साइन है कि आपको वेजिटेरियन है ये चीज़, इसमें कोई मांस मांस नहीं है। तो ये करके आप अपने यहाँ पे इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। और जहाँ तक इसका मार्केटिंग का बात है, देखिए हर एक जगह ही मार्केटिंग है, ये भी हमने रिटेल के दुकान से ही ख़रीदा है, तो आप रिटेल के दुकान पर इसको बेच सकते हैं, आप होटल रेस्टोरेंट वगैरह में बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे कॉलेज और मेस एरिया हो, जहाँ पे लोग बैचलर लोग रहते हों और खाना बनाते हों, वहाँ पे आप इसका मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो तो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों में जाएंगे नहीं, शहर में हैं, तो कम टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को वो यूज़ करना चाहेंगे। तो टोटल इन ऑल आप चाहें तो इसको व्हाट्सअप या कैसे भी या डाटा बेस खरीद के ज्वेलर दुकानदारों का वहाँ पे भी अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। तो मेन है कि इसके बाद आता है पैसे का मान, कि आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसके अनुसार ही आपका प्रॉफिट और मार्जिन इसमें निकल के आता है। लगभग अगर आपके पास 5 से 5.5 लाख रुपये है और मार्केटिंग का स्किल्स है आपके पास, या मान लीजिए टीम है पहले से आप, या आप मार्केटिंग के किसी में काम कर चुके हैं, तो आप छोटे से शहर में भी लगभग 200-300 स्क्वायर फीट जगह में भी ये अपना काम चालू कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा जगह का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्टोर रूम अगर आप अलग रखते हैं कि जहाँ पे आपका गोडाउन हो और आपका माल हमेशा सेल होता रहे, तो आपको आराम से 500 स्क्वायर फीट के जगह में ये बिजनेस बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और अच्छा खासा आपका काम चल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का जो ये वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, कि अदरक लहसुन का पेस्ट का जो बिजनेस है करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इसके अलावा इसका प्रोजेक्ट पर काम करना हो, या PMGP लोन में काम करना हो, या उद्यम में फाइल करना हो, या फसाई लाइसेंस करना हो, ये अदरक लहसुन का बिजनेस का या किसी भी फूड प्रोडक्ट बिजनेस का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें हम आपकी प्रोफेशनल तरीके से जो भी हमारा फीस होगा लेके आपकी मदद करेंगे, आपका सहायता करेंगे और बताएंगे भी आपको कि कैसे बिजनेस होता है और कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।